कन्नौज में अचानक पेट्रोल पंप पर आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग को देखते हुए हर कोई भागता हुआ नजर आया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, इसके बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक घंटे देरी से पहुंची। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। कन्नौज के छिबरा में पश्चिमी बाईपास पर स्थित देवू गुप्ता के पेट्रोल पंप पर आग लग गई। आग लगते ही तेजी से आग विकराल रूप लेने लगी, जिसको देखते हुए मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। लेकिन करीब एक घंटा बीत जाने के बाद भी जब फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पेट्रोल होने के चलते लोग आग बुझाने में डर और भय का सामना कर रहे थे, जिस वजह से आग बुझाने की थकान और भड़क रही थी। जब सूचना के एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर पुलिस भी मुस्तैद रही। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि पेट्रोल पंप के बगल में टायर और केमिकल की दुकान है, लेकिन आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जाँच की जा रही है। फायर ब्रिगेड के देरी से पहुँचने की बात पर भी उन्होंने जाँच की बात कही। बाईपास पर गोविंद पेट्रोल पंप के बगल में टायर रखे गए थे, आग लग गई थी। लोग बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड सूचना के बहुत लेट आई, एक घंटे बाद सब आई है। सारी स्टेशन होते हुए साहब बहुत लेट हुई, कन्नौज से इतने समय में आ सकती थी। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।